उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रखा हुआ है आईफोन 7 एक हैंडसेट। सो हाय गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग फ्री टेक। तो दोस्तों एक्सपीरियंस के लिए सेलबडी से आईफोन 7 मंगवाया है। तो इसमें है दोस्तों आईफोन 7 128GB वाला वेरिएंट। तो गाइस यहां पे डिटेल में मैं आज के इस वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि सेलबडी से अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं कोई भी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट तो कितना सही आप लोगों के लिए रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं जस्ट अभी आपको बता दूँ, बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस रहा है मेरा दोस्तों यहाँ पे सेल करने से पहले ही। आफ्टर सेल गाइस यहाँ पे देखेंगे क्या कुछ ये लोग सर्विस देते हैं अगर कुछ इशू आता है इस वाले आईफोन 7 के अंदर। तो आइए दोस्तों करते हैं सिंपली यहाँ पे अनबॉक्सिंग। मैं भी दोस्तों यहाँ पे काफी एक्साइटेड हूँ आप लोगों की तरह ही। तो कुछ ऐसा है इनका पैकेजिंग दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो लाइक दिस पैकेजिंग दोस्तों। यहाँ पे बाहर से तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है एंड इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है लाइक तो अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोग बनाकर रखना ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ दिक्कत वगैरह आता है तो आप लोग एज ए प्रूफ इसको दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम लोग इसको एक बार से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक कूपन है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमें एक बिल प्रोवाइड किया गया है जो ऑफलाइन शॉप्स में मिलता है। तो इस कूपन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं सेलबडी में अगर कुछ परचेस करते हैं तो 599 का आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा। और ऊपर में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक और आपको रैपिंग देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं। सेम बिल दोस्तों हमें अंदर दिया गया है, वो था एक डुप्लीकेट बिल। तो ये भाई साहब आ गया हमारा मेन प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग यार देख सकते हो सील तो मुझे लग रहा है लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ सीलिंग नहीं है, ऊपर में जस्ट ये प्लास्टिक का एक रैपिंग किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसको एक बार से हम लोग कट कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो 1 ईयर वेंडर वारंटी वगैरह इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। अभी भी दोस्तों मैं यार काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्या निकलता है अंदर से। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा लीड है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। और यहाँ पे कुछ ये है यूज़र गाइड एंड दोस्तों यहाँ पे एक है सिम इजेक्टर पिन जैसे कि आप लोग देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रखा हुआ है आईफोन 7 एक हैंडसेट। ओ वाओ, और देखते हैं यार अंदर में हमें क्या कुछ प्रोवाइड किया गया है। USB A2 लाइटनिंग एक चार्जिंग केबल और साथ में दोस्तों यहाँ पे एक एडाप्टर भी प्रोवाइड किया गया है। और ये भाई साहब 5V 1 Ampere यानी कि आपको बॉक्स में एक 5W का चार्जर भी दिया गया है। तो ये रहा दोस्तों आईफोन 7। ओके, तो चलिए सबसे पहले प्लास्टिक को हम लोग उतारते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो यार बिल्कुल नया जैसे ही लग रहा है, एक भी स्क्रेचेस वगैरह दोस्तों यहाँ पे तो मुझे अभी फिलहाल नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने इसको एज ए सील पैक ऑर्डर किया था। और चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर में भी आप लोग देख सकते हैं ऐसे कोई भी डस्ट वगैरह नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे यार कैमरा लेंस के सामने एक थोड़ा सा मुझे कुछ डस्ट वगैरह नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों एनीवे इन सब को सबसे पहले हम लोग यार इग्नोर करते हैं, अभी फिलहाल देखते हैं कि डिस्प्ले कैसा है। एंड प्री अप्लाई आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर इसमें दिया गया है। तो चलिए इसको एक बार से हम लोग यार पावर ऑन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हो कोई भी ऐसा मुझे डेंट या फिर स्क्रेचेस नज़र नहीं आ रहा। तो चलो यहाँ पे फटाफट एक बार से हम लोग इसको सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अभी फ़िलहाल सेटअप कर लिया है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं इसको फर्स्ट टाइम के लिए ओपन किया था तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो डिवाइस है यार हीट हो गया था। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हीट यहाँ पे फील हो रहा था लेकिन दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे ये जो हीटिंग है कम हो चुका है। सो यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ टेस्ट वगैरह अभी फ़िलहाल इसके अंदर करना है। लाइक दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल Touch ID को सेट किया है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो Touch ID प्रॉपरली दोस्तों यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों Touch ID तो यार पास हो चुका है इस एग्जामिनेशन के अंदर। तो चलिए स्पीकर्स को टेस्ट करते हैं। ओके, स्पीकर्स में दोस्तों यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी लाउडली हमें यहाँ पे साउंड सुनने को मिला है।
तो ये वाला बटन भी यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर इसकी कैमरा डिपार्टमेंट की यार बात करें तो मैं कुछ पिक्चर्स बेसिकली लिया हूँ इस कैमरा को दोस्तों यहाँ पे यूज़ करके। तो इसका जो कैमरा है मैं जस्ट ओके बोलूँगा, क्योंकि हमें इतना बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है ये आईफोन 7 जो हमारे पास है। सेल्फी हालांकि दोस्तों यहाँ पे डिसेंट मैं यहाँ पे बोलूँगा इसको, और डिवाइस में यहाँ पे प्रॉपरली सब कुछ वर्क कर रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, बाकी दोस्तों मैंने इसके अंदर कुछ कॉल्स वगैरह किया है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मैंने अभी फ़िलहाल इसके अंदर जियो का सिम डाल के रखा है, गाइस यहाँ पे नेटवर्क वगैरह सब कुछ परफेक्ट आ रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जस्ट आप लोगों के सामने ही एक कॉल प्लेस करके दोस्तों यहाँ पे मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों कॉल में कोई भी इशू नहीं है। आई मीन दोस्तों यहाँ पे माइक्रोफोन भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है गाइस। यहाँ पे जो स्पीकर है ईयरपीस जो हम लोग कॉल के दौरान सुनते हैं ये भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सही से हमें सब कुछ मिला है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो इसका चार्जिंग पोर्ट है इसको भी एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यार आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल चार्ज हो रहा है। एंड दोस्तों मैंने इससे पहले भी इसको चार्ज में डाला था जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ऐसे दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इशू की बात करूँ इसके अंदर तो वही है बेसिकली हीटिंग इशू। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं जस्ट इसके अंदर आपको एक और इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ कि यार अगर आपको कुछ दिक्कत वगैरह आता है सेलिब्रिटी का यहाँ पे दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा आपको, जिसमें दोस्तों यहाँ पे कॉल करके आपको अपना इशू बताना होगा। एंड देन दोस्तों आपको अपने एंड से ये फ़ोन उन लोगों को सेंड करना होगा, तभी ये लोग रिपेयर या फिर जो भी रिप्लेसमेंट वगैरह होगा आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे यार आप लोग देख सकते हो ये है मेरे पास आईफोन 12। ओके, इसमें भी iOS 15.6 एंड इसमें भी iOS 15.6। तो ये दोस्तों यहाँ पे मुझे एक अच्छी बात लगता है एप्पल का, 4-5 साल पुराना iPhone 7 को भी अभी तक सेम अपडेट प्रोवाइड कर रहा है जो iPhone 12 को यहाँ पे दिया गया है। तो इसको दोस्तों मैंने परचेस किया है 14,500 देकर। ओके, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं 64GB वाला वेरियंट वो भी दोस्तों अनबॉक्स्ड, तो ये अराउंड आपको 9,000 से 10,000 के बीच मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं 14,500 इसीलिए पे किया हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए अबाउट डिवाइस में दोस्तों ये बेसिकली है 128GB वाला वेरिएंट। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है। एंड साथ ही में दोस्तों ये था एक सील पैक। एंड इसमें दोस्तों यहाँ पे मैं जस्ट आपको इसका बैटरी हेल्थ भी दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे यार आप लोग देख सकते हो बैटरी हेल्थ इसमें है 100%। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग अनबॉक्स्ड परचेस करेंगे तो उसमें 80 से लेकर 85 तक बैटरी हेल्थ रहेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत माइनर स्क्रेचेस भी रह सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ स्क्रेचेस वगैरह नहीं है। एंड गाइस यहाँ पे जो बैटरी हेल्थ भी 100% है। जब मैंने इसको यार ऑर्डर करने के लिए गया था साइड में, देन दोस्तों यहाँ पे मैंने यार आईफोन 7 रेड कलर में 128GB वाला ऑर्डर किया। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे कॉल आया एंड मुझे 500 पे करने के लिए बोला गया, क्योंकि मैंने COD से इसको ऑर्डर किया था। उसके बाद दोस्तों मैं 500 पे कर दिया। देन दोस्तों शॉकिंग बात यह है कि मुझे दोबारा 2-3 कॉल आया कि आप फिर से पे कीजिए, लेकिन मैं उन लोगों को बताया कि भाई मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। फिर उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं, देन ठीक है। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने डिसअपॉइंट किया था। उसके बाद दोस्तों मेरे पास फिर से कॉल आया जब मैंने यहाँ पे 500 पे कर दिया उसके एक दिन बाद, कि हमारे पास ये अवेलेबल है इस कलर में नहीं है। तो ऐसा दोस्तों आप लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी का जो साइड है जस्ट दिखावे के लिए है, पूरा काम को दोस्तों ये लोग हैंडल करते हैं व्हाट्सएप के अंदर। बाकी कुछ यही है यार आईफोन 7 का कहानी सेलिब्रिटी से। तो सेलिब्रिटी को दोस्तों अगर मैं मार्क देना चाहूँ 10 में 5 दूंगा, क्योंकि यार इन लोगों का सर्विस इतना सही नहीं है, कोई कुछ भी बोलता है। प्लस दोस्तों यहाँ पे मुझे यार हीटिंग इशू देखने को मिला है इस डिवाइस के अंदर भी, सील पैक था फिर भी। बाकी सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है जैसे कि मैं दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिखाया। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को एक बार से लाइक करना, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।